सेवा, अहंकार, प्रतिस्पर्धा, मर्यादा, असत, सहमति, सहचित, समाज, मनमुटा, चुनौती और मणि, ये वो शब्द जो नागपुर के एक वैचारिक मंच से निकले, लेकिन अब दिल्ली की सियासत के इर्द गिर्द दस्तक दे रही। सबसे पहले आरएसएस की मोहन भागवत का वो बयान, जिसके बाद सियासी तूफान मच गया। एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, अब ये इत्तेफाक है या कुछ और? क्योंकि जैसे ही देश में नई सरकार का गठन हुआ, मंत्रिमंडल बना, उनके पोर्टफोलियो बांटे गए, उसी के थोड़ी देर बाद संघ की तरफ से कई मुद्दों को उठाया गया। चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस मणिपुर को लेकर बार बार सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, विपक्ष ने जिसे चुनाव का मुद्दा बनाया, उसी को बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने खुलकर उठाया। देश में शांति चाहिए, जगह जगह और समाज में कलह, ये नहीं चलता। एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, और उस पर जाते जा प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। कहते जब मनमुटाव का दायरा सहनशीलता की दहलीज को लांग जाता है, तब वाद विवाद के बीच नाराजगी और गुस्से का जन्म होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि मणिपुर के मुद्दे पर संघ केंद्र सरकार के कामकाज से असंतुष्ट है? क्या ये माना जाए कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना संघ की नाराजगी की वजह है? क्या वाकई संघ और सरकार के बीच मनमुटाव? क्या संघ और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ चुकी है? मोहन भागवत जी का भी बयान सुन लिया चुनाव के परिणाम आने के बाद, क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? कह रहे हैं एक साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। ये एक साफ संकेत है कि आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। वेलकम हिज स्टेटमेंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड when we see our people suffering so much, it is extraordinarily disturbing for all of us. कि मणिपुर की स्थिति नाजुक है, और अफसोस की बात है कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर तक नहीं गए, हमारी बात तो नहीं सुनी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो मोहन भागवत जी की बात सुनेंगे। सवाल तो ये भी है कि क्या बात सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित है, या फिर संघ और बीजेपी के बीच जड़मूल के मुद्दे कुछ और है? सवाल इसमें भी क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में कई और ऐसी बातें जिसे चुनाव प्रचार से जोड़कर देखा गया, खासकर बीजेपी की एग्रेसिव कैंपेनिंग से, उसकी लाइन लेंथ से। मोहन भागवत ने कहा, जिसे सेवक कहा जाता है वो मर्यादा से चलता है, हमारे देश सहमति बनाकर चलने की परंपरा है। चुनाव स्पर्धा होती है लेकिन युद्ध नहीं होता, चुनाव लड़ने मर्यादा का पालन नहीं हुआ। जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ा, उससे समाज में मनमुटाव बढ़ेगा। हमारे देश में विविधता में एकता पुरानी, जब हम इस रीति को भूल गए तब से हमारा पतन हुआ। सब सही और दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गट बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और बिना कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें करो सीखे, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? बातें हुई, खूब सुनी गई, सुनाई गई, लेकिन इस कड़वाहट की वजह को किसे आत्मचिंतन करने की जरूरत है? संघ और बीजेपी जो साथ चला करते थे, इस बार खुले तौर पर आलोचना की वजह क्या? जब तक इन कारणों पर बात होती, चर्चा होती, तब तक भागवत के इन्हीं सारे बयानों को स्पष्ट मोदी सरकार और चुनाव में बीजेपी के प्रचार से जोड़ना शुरू कर दिया। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा कि घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। कहीं ना कहीं जयप्रकाश नड्डा जी ने जो एक बात संघ को लेकर कही, एक तीखी टिप्पणी, कि अब हमें संघ की जरूरत ही नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। हम दो दिन से लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कि नितिन गडकरी जी ताली नहीं बजा रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, फिर स्वागत हो रहा है मोदी जी का, सब हाथ जोड़े खड़े हैं, नितिन गडकरी जी का अलग ही स्वैग है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस के मंसूबे कुछ पासे को पलट ना दें। सबने कहा संघ की कोई जरूरत नहीं, अब मणिपुर के सवाल पर संघ सवाल खड़ा कर रहा है, संघ भी बहुत लेट करके सवाल उठा ले। तो बोलिए सरकार को हटाइए, बोलते क्या होता है। मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है। देखिए सरकार से सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ऐसे मुद्दे सामने आए जिन्हें विपक्ष ने जनता के बीच जमकर फुलाया, फिर चाहे वो मुसलमान घुसपैठिए या मंगलसूत्र की बात हो या फिर 400 पार वाला माहौल। सवाल है कि संघ और बीजेपी के बीच दिख रहे इन मनमुटाव और दूरियों का ट्रिगर पॉइंट क्या था, क्यों पर्दे के पीछे कही जाने वाली बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। मोहन भागवत के बयान का विश्लेषण अलग अलग तरीकों से हो रहा है। अहंकार, सेवक जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए, क्या वजह रही, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा शुरू। लेकिन क्या इस बयान का जेपी नड्डा के बयान से भी कोई कनेक्शन है? लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ और बीजेपी को लेकर एक अखबार को बयान दिया। नड्डा ने तब कहा, शुरू में हम अक्षम, थोड़ा कम, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है, पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन, वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपना। विविधता भी हमारी एकता का आविष्कार है, अभिव्यक्ति है, और इसलिए उसको स्वीकार करो, मिलजुल कर चलो, सब सही है, अपने अपने मत की श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरों के मत का उनका उतना ही सम्मान करो, उनका भी मत सत्य है स्वीकार करो, और मिलकर धर्म की राह पर चलो। ये धर्म पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, सारी पूजाएं अपनी अपनी पूजा पर श्रद्धा रखकर बाकी पूजाओं को भी उतना सत्य मानकर सब लोगों ने मिलकर सबकी धारणा करनी है, सबको जिलाना है, सृष्टि को भी जिलाना है, पूरे अस्तित्व के विचार से अपने जीवन को चलाना है, ये धर्म है। तो क्या नड्डा के बयान संघ और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ाने का काम किया? क्या यही वजह रही कि इस बार संघ चुनाव में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करता नजर नहीं आया? क्या इसी के चलते यूपी में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और इंडिया अलायंस जीत ले गया? तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और बहन से कह रहा हूं अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाता। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया, हम सब आपके आभारी हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनाव में बीजेपी और संघ के बीच में संवादहीनता दिखाई दी। कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के चयन से लेकर रणनीति बनाने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया गया। बताया जाता है कि संघ ने कई सीटों के उम्मीदवारों पर असहमति जताई थी, साथ ही बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के लोगों को बीजेपी में शामिल करने पर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन फीडबैक की अनदेखी की गई। लिहाजा संघ ने भी खुद को वैचारिक कार्यक्रम तक ही समेट लिया, न ही जिलों में
संघ और बीजेपी की समन्वय समितियां बनी और ना ही छोटी छोटी संघ की बैठकें हुई जिससे कि लोगों को ग्राउंड रियलिटी बताई जा सके। सर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ, तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब ये तो चुनाव प्रचार की बात हुई, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी की सरकारों को वक्त वक्त पर नागपुर से मार्गदर्शन मिलता रहा है। कई बार तो परोक्ष रूप से दखलंदाजी भी होती थी, और सच ये भी है कि बीजेपी और संघ के बीच इस तरह का वैचारिक मनमुटाव पहली बार नहीं। 1998 में संघ ने अपनी ताकत दिखाते हुए वाजपेयी सरकार जसवंत सिंह की बजाय अपनी पसंद के यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री रखवाया। साल 2000 वाजपेयी के पीएम ऑफिस के खिलाफ संघ ने मोर्चा खोल दिया, उसे मल्टीनेशनलिस्ट लॉबी करार दे दिया। तब एनडीए सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संघ ने डीएचपी और भारतीय मजदूर संघ का इस्तेमाल किया। साल 2002 में आरएसएस की वजह से ही वाजपेयी की सरकार में आडवाणी को डिप्टी पीएम बनाया गया। हालांकि 2005 तब के संघ प्रमुख के सुदर्शन ने यह भी कहा था कि वाजपेयी और आडवाणी युवा पीढ़ी के लिए जगह बनानी चाहिए। 2005 में ही बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि बीजेपी और संघ का संवाद जारी रहना चाहिए, मगर बीजेपी के फैसले इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बहरहाल ये इतिहास की बातें, मगर मोहन भागवत के वर्तमान बयान पर बीजेपी के कमेंट भी आने लगे। मोहन भागवत जी ने चिंता जताई है मणिपुर की स्थिति को लेकर, सरकार ऑलरेडी उस पर चिंता कर रही है। 10 साल से मोदी जी की सरकार केंद्र में है और 10 साल से वहां पर शांति थी, शांत वहां पर दिक्कत नहीं थी, परंतु एक कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके चलते हुए वहां पर परिस्थिति बिगड़ी और सरकार उसकी चिंता कर, सरकार ने वहां पर जो जरूरी कदम है वह सब उठाए हैं और सुनिश्चित मणिपुर में भी शांति बहाल होगी। बातें होती रहेंगी, चर्चाएं चलेंगी, लेकिन सवाल क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? गठबंधन वाली सरकार में क्या संघ बीजेपी के लिए एक बार फिर प्रासंगिक बन चुका है? क्या मोहन भागवत की बातों को बीजेपी वेकअप कॉल की तरह देगी, या फिर इस बार कोई नई रखीर खींची जाए जिसका रास्ता नागपुर से ना निकलता? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वाकई में तनातनी वाले हालात बीजेपी और आरएसएस में भी हैं?